हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। ओके, तो जनरली हमको बोला जाता है हमारे आसपास के इलाके में, आसपास के एनवायरनमेंट में, कि हम हमको चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको अज्ञानता को पास नहीं आने देना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अज्ञानता एक परमानंद है। वो एक ब्लिस है हमारे लिए। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे करें तो हमारा दिमाग है वो बिल्कुल धुआं धुआं हो जाएगा। तो अज्ञानता एक परमानंद है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में जानने के लिए कि आखिर क्या मतलब है इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो देखो, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तो ये जो हमारी खोपड़ी है ना, ये यंत्र, अगर इसका ढंग से इस्तेमाल नहीं किया करें तो धुआं निकल जाएगा इसका। तो हमारा माइंड है वो दो तरीके से काम करता है। पहला हम बोलते हैं सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग। सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? इसमें हम क्या है कि बिल्कुल अटेंटिव रहती हैं, सारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं बिल्कुल मेहनती वर्कर की तरह। और सब चीजों पर ध्यान देती हैं। दूसरा चीज आता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ये शॉर्टकट्स हैं इसमें, कि अगर ऐसा इनपुट आता है तो ये आउटपुट देना है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट देना है। मतलब इसमें तुम्हारे पास शॉर्टकट्स हैं, ज्यादा सोचना नहीं है। तो जनरली अगर हमारा हमारा दिमाग ज्यादातर मात्रा में अगर सोचेगा, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग लगाएगा, तो क्या होगा? धुआं निकल जाएगा। तो हमारा दिमाग क्या चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये करें और कम से कम ये करें। इसीलिए तो पढ़ाई करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। करें बच्चों को पढ़वाना आजकल के जमाने में कि भाई आज होमवर्क दिया है, क्यों डिफिकल्ट है? क्यों? क्योंकि उसमें जाके ये करना पड़ता है। जो कि दिमाग के जो नॉर्मल एटीट्यूड है उसके विरुद्ध में है। तो हमको फोर्स करना पड़ता है दिमाग को कि भाई सुसुप्त मात्रा में मत रहो, जाओ सोचो, थोड़ा सा करो इसको। तो हमारा दिमाग दो तरीके से काम करता है। हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग चाहता है कि ये काम करे, शॉर्टकट्स के बेसिस पर काम करे। तो ये शॉर्टकट्स में हमारे एटीट्यूड, हमारे जो एटीट्यूड हैं वो बहुत काम करते हैं। तो अब आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड है जहां पर इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है मोबाइल में, करेक्ट, न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर तो आजकल कम ही लोग पढ़ते हैं, दिन भर लिखो फेसबुक, इंस्टा, और ट्विटर, इतने सारे, इतनी इंफॉर्मेशन स्क्रॉल 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 करते जा रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है। तो अगर हम सारी चीजों को ढंग से सोचने लगे, समझने लगे कि अरे ऐसा कैसे हुआ, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा दिमाग बिल्कुल धुआं धुआं होने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग से काम करें। इसीलिए ज्यादातर चीजों को, ज्यादातर चीजों को हमको इग्नोर करना आना चाहिए। देखो, इस डिजिटल वर्ल्ड में और इस इंफॉर्मेशन एज में, इस इंफॉर्मेशन एज में हमारे पास बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है एवरीडे, लेकिन हम हर चीज को तो प्रोसेस कर नहीं सकते, हर चीज को समझ नहीं सकते। अब उसमें से केवल 99% चीजों को इग्नोर करना है हमको, और केवल जो इंपॉर्टेंट 1% चीजें उन्हीं में हमारे दिमाग को लगाना है सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में। करेक्ट, अगर हम ये कर पाए तो हमारी लाइफ बिल्कुल पीसफुली जाएगी। और हम मतलब ज्यादा टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेस बढ़ने का मेन कारण क्या है कि हम इग्नोर करना नहीं जानते हैं। तो जो लोग इग्नोरेंस को समझ लेते हैं कि किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों को नहीं करना है, उनमें काफी अच्छी क्लैरिटी रहती है। और उनकी लाइफ बिल्कुल अच्छे से जाती है। तो इग्नोरेंस हमारा, देखो मेन चीज ये है कि हमको नेचुरल वे में जाना है। नेचुरल वे क्या है कि मोर हमको ज्यादातर ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग करनी है। मैं कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। करेक्ट, हम जो विचारक होते हैं या फिर जो बहुत सोचने वाले लोग हैं, करेक्ट, उनका तो मेन काम सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग ही है। हम तो जो नॉर्मल जो मनुष्य हैं, उनको उनका मेजोरिटी ऑफ द टाइम जाता है ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में। इसीलिए हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा जो सोशल सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है, वो हमको एक शॉर्टकट दे देता है जिसके थ्रू हमारी लाइफ काफी इजी हो जाती है। तो इन एंड यही बोलूंगा मैं कि इग्नोरेंस को सीखना एक बहुत ही स्किलफुल टास्क है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है जीवन को सरल बनाने के लिए। तो इग्नोरेंस एक ब्लिस है हमारे लिए। अज्ञानता एक परमानंद है। हमको 99% चीजों को नहीं जानना है,
ओके, एक ही परसेंट चीजों को जानना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा जीवन बिल्कुल सुखपूर्वक बीतेगा। ओके, तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, ओके, जीवन से रिलेटेड, और जो तुम्हारे जीवन को काफी सुखदायी बना सकती हैं, और शेयर कीजिए इस चैनल को काफी लोगों के साथ। थैंक यू।